सीमा हैदर को आज कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया के जरिए सीमा इस वक्त घर घर में पहुंची हुई है और हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। और एक बार फिर सीमा हैदर काफी चर्चा में है, क्योंकि सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को 3-3 करोड़ का नोटिस मिला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 3 करोड़ का नोटिस। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत अपने प्रेमी से मिलने आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को 3-3 करोड़ का नोटिस मिल चुका है। ये नोटिस सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने भेजा है। इतना ही नहीं, मोमिन मलिक ने अपने आप को सीमा का भाई बताने वाले वकील एपी सिंह को भी 5 करोड़ का नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर मोमिन मलिक ने कहा है कि 1 महीने के अंदर तीनों माफी मांगे और जुर्माना जमा करवाए, नहीं तो तीनों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 करोड़ का नोटिस सीमा हैदर को क्यों भेजा गया? क्या सीमा हैदर ने कोई कानूनी जुर्म किया है जो ऐसा किया गया है? तो उसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल सचिन को दिए गए लीगल नोटिस में कहा गया है कि किस आधार पर सचिन गुलाम हैदर की पत्नी को अपनी पत्नी बना रहे हैं, जबकि गुलाम हैदर और सीमा हैदर का आज तक कोई भी लीगल तलाक नहीं हुआ है। सचिन की वजह से गुलाम हैदर उसके 4 बच्चों से दूर हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई भी सचिन की वजह से खराब हो रही है। सचिन अवैध रूप से सीमा हैदर के साथ रह रहे हैं, जिसके चलते गुलाम हैदर ने सीमा हैदर के प्रेमी सचिन को 3 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है, जो कि पाकिस्तान के 9 करोड़ रुपए बनते हैं। वहीं सीमा हैदर को भेजे गए 3 करोड़ रुपए के लीगल नोटिस में गुलाम हैदर ने कहा है कि कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया गया है। फिर सीमा हैदर किस आधार पर अपनी मांग में सचिन के नाम का सिंदूर भर रही है और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपने आप को सचिन की पत्नी क्यों बता रही है? गुलाम हैदर ने कहा कि सीमा हैदर का उसके बच्चों के साथ अवैध रूप से इंडिया में एंट्री करने की वजह से उसके बच्चे उससे दूर हो गए हैं और बच्चों का जीवन भी खराब हो रहा है। वहीं अपने पिता का प्यार भी नहीं पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी छूट गई है, जबकि वो सीमा हैदर और उसके बच्चों को खुश रखने के लिए सऊदी अरब में काम करता था और अपनी कमाई के सारे रुपए उसके पास भेजता था। लेकिन फिर भी सीमा हैदर ने उसका पाकिस्तानी मकान बेचकर भारत में एंट्री कर ली। इसके लिए उसको 3 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा गया है, जो कि पाकिस्तान के 9 करोड़ रुपए बनते हैं। खैर, अब इस मामले में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन सीमा हैदर की तरफ से अपने पहले पति गुलाम हैदर को लेकर ये कहा गया है। उसका निकाह 19 साल की उम्र में गुलाम हैदर से हुआ था। सीमा हैदर की उम्र अभी 27 साल है। गुलाम हैदर और सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं। सीमा का कहना है कि उसका पति उसको छोड़कर सऊदी अरब भाग गया था, जिसके बाद वह अकेली हो गई थी, जिसके बाद सीमा अपने जीवन साथी की तलाश करने लगी। सीमा हैदर को पबजी गेम खेलने का शौक था। पबजी गेम खेलते हुए सीमा और सचिन मीणा की मुलाकात हुई। ये मुलाकात प्यार में बदल गई और दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला किया, जिसके बाद सचिन के साथ सीमा हैदर की आगे की जिंदगी जीने के लिए अपने 4 बच्चों के साथ वो भारत आ गई। दरअसल बीते 13 मई 2023 को सीमा हैदर नेपाल बॉर्डर के रास्ते से ग्रेटर नोएडा पहुंची। करीब 1.5 महीने रूबुपुरा में सचिन मीणा के साथ रहने के बाद 1 जुलाई 2023 की सुबह सीमा और सचिन रूबुपुरा से भागकर मथुरा पहुंचे थे। वहां से ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दोनों को 2 जुलाई 2023 की रात को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। सीमा के वकील ने संबंधित दस्तावेज जेवर सिविल न्यायालय के सामने पेश किए, जहां से सीमा, उसके पति सचिन, सचिन के पिता नेत्रपाल और सीमा के 4 बच्चों को 7 जुलाई 2023 को जमानत मिल गई। जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि सीमा हैदर किसी भी शर्त पर रूबुपुरा छोड़कर नहीं जा सकती है, जिसके बाद से सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ ही रहती है। खैर, एक बार फिर सचिन और सीमा चर्चा का विषय बन गए हैं और उनको नोटिस मिलने की खबर के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी सर्च भी किया जा रहा है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि इस नोटिस का जवाब सचिन और सीमा किस तरह से देते हैं, या फिर ये नोटिस सीमा और सचिन के लिए काफी मुश्किलें लेकर आने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।